कुछ नया दिखेगा जब देखोगे बर्तन से आगे। विम एमबीए कर रहा है मतलब करना ही एक महीने का ट्रिप कपड़ों के इतने स्टाइल और बालों के स्टाइल का क्या देश है ना मेरे वीडियोस में। सनसिल्क की नई बॉटल है ना 20 रुपए की बॉटल, नई सनसिल्क 30 रुपए की बॉटल जिससे बाल दिखे कल बना बने, रोज नया हेयर स्टाइल बने पूरे महीने, रोज नया एक्सपीरियंस, रोज नया हेयर स्टाइल। सनसिल्क की नई बॉटल सिर्फ 20 रुपए में, जिद्दी से जिद्दी बाल निकालिए अब बस 10 रुपए में, पेश है नई एरियल जितने भी गुंडे बदमाश काले धंधे करते हैं उन्हें पास करना।
पीने दादाजी। पुलिस का मुजरिमों पर हंसा ठीक है, पर अगर कोई पुलिस पर हंसे ये मुझे हरगिज बर्दाश्त नहीं। इस वर्दी को पहनने के बाद मुझे इसकी ताकत का अंदाजा हुआ कि ये शहर के जुर्म को साफ कर सकता है। इस वर्दी के सामने चाहे कितना भी बड़ा मुझे वो टिक नहीं सकता, और जब तक मेरे बदन पर ये वर्दी मौजूद है मैं अपने दादा की कसम खाता हूँ कि मैं अपना फर्ज निभाने से कभी हिचकिचाऊंगा नहीं। अगर हम एक रात अपनी ड्यूटी ठीक से निभाएं तो सालों तक खाया हो ना, हुआ खाया था कुछ, लंच भी कर लिया 12 बजे, ज्यादा भूख ही नहीं थी। खाया खिलाफ लड़ने की ताकत रखते थे, जो इतना हौसला रखता वही इस मिशन में शामिल। सर क्रिमिनल्स को पकड़ने का क्या फायदा, हम उन्हें मेहनत से पकड़ लाते हैं और नहीं तो उन्हें छुड़ा ले जाते हैं। और उनके डर में ही हमारी जीत। कानून क्या, तुम मेरा इस मिशन में साथ देने को तैयार हो? अरे घुमा लिया यहीं तक, यहीं तक घुमा लिया सबसे ज्यादा जो बहुत जल्दी नहीं किया नहीं करेगा। तुम वहाँ चार दो शाहगंज को तुम संभालो, दो मीडिया बना दो चार जी। अरे दो मीडिया बना दो बहुत समय तुम्हारे चार जा सर नजाम मां सर पशांति तुम सराय भी संभालो। ये सब लेता है उसको हल्का हो जाए पापा का चार तो उसको अच्छा लगता है। और तुम पहले गुंडे हो जिसे मैं अरेस्ट करने आया, क्या बात है? तूने तो सिर्फ छड़ी तोड़ी है, मैं तेरी हड्डियां तोड़ूंगा। ले जा भाई, सुनो तो सही। सर यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ कुछ भिखारी सो रहे हैं। ऐसा देख तमाशा दे, देख तो सही उठे नहीं। यस सर। अब उन लोगों के बीच कुछ गुंडे नजर आए या नहीं? मिल गया सर। गुड जॉब, गुड जॉब। अरे देखो पुलिस आ गई। भागो। ए। अरे चले जाओ। देखती क्या? झांसी ने मैं कौन हूँ? अरे चोर। वहाँ ऊपर एक वाटर टैंक दिखाई दिया? हाँ दिखाई दिया सर। वहीं पे टाइट पड़ा होगा, जाके पकड़ लो उसे। अंदर ले रहा हूँ मैं। सुन सर, जो मिटा नहीं निकला या पैर मटक कर रहे हैं? गुड। हिम्मत की ताकत देता। आपके दादाजी ने जो किया उसके मुकाबले तो ये कुछ भी नहीं है। किसके दादा? आपके दादाजी जो लड़ते हुए शहीद हो गए थे। मेरा कोई दादा वाला नहीं। क्या हुआ? बात ऐसी है, अगर मैं तुम्हारा जोश नहीं बढ़ाता तो तुम इस तरह लड़ती क्या? और ये मेरे झूठे भाषण का ही नतीजा है कि जोश आ गया। तुमने हमसे झूठ बोला? दादा वाली स्टोरी छोड़ के सब सच बोला। दादा जिंदा होता तो ये सच सुन के मर जाता।
फाटक खोल के अंदर तो घुस, मुर्दों में जान आ जाएगी। सर यहाँ तो गुंडे जिंदा लाश बन के बाहर रहे सर। सबको रेस्ट कर ले, अंदर अंदर डालो सबको, लाइन में डालो। इन्होंने रात में तंग कर दिया है भाई, ये बात क्या नहीं है, और वैन चाहिए। पुलिस वैन में कचरा क्यों डाल रहे हो, बच्चे की गाड़ी बुलाओ। ओके चल चल ऊपर चल, अरे मुझ पर नहीं लाई पर चल। अरे अपने लॉरी क्यों लगाई भाई, क्या प्लेन मंगाओ। मान पड़ती जा रही है, पुलिस से होशियार करता जाओ। हे शक्ति तुम ये सब क्यों कर रहे हो, अरे सुबह तक हम छूट जाएंगे। जेल में ले जाके सबके बाल कटा दूंगा। क्यों भाई आदमी लोग कौन जेल में डालेगा, यहाँ कौन है जिसमें इतनी हिम्मत हो। उन लोगों की किस्मत में बेल नहीं जेल है। और कोई है जो चाहता है कि उसे बेल मिले, शर्मा मत, लिमिटेड ऑफर है। बाल कटाने से पहले इन सबको नहलाना पड़ेगा भाई। आजमगढ़ के असिस्टेंट कमिश्नर शक्ति ने कई बदमाशों को गिरफ्तार किया, हर जगह अफरा तफरी मच गई। और साथ ही आज की इस कार्यवाही में एसीपी ने चोरों, डकैतों, कातिलों, जेल कतरों, मवालियों, ड्रग्स माफिया को, नकली शराब बनाने वालों को, इन सब बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पहली बार इतने सारे मुजरिम एक ही रात को एक साथ पुलिस के हत्थे चढ़े। एसीपी शक्ति की वजह से आजमगढ़ के लोगों ने चैन की सांस ली है, और दूसरी तरफ मुजरिमों के दिलों में एक दहशत पैदा हो गई है। भैया उसने किसी को नहीं बचा, सबको कैदी बना लिया। खाकी वर्दी की गर्मी चल रही है उसे, निकाल दो उसे डिपार्टमेंट से, मैंने ही तो उसे पुलिस वाला बनाया है। बनाना और मिटाना दोनों शिवा के हाथ में है, सस्पेंड कर दो उसे। यूनिफॉर्म उतरेगी तब मेरे कदमों पे आके गिरेगा, उसे अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। जाओ उसने तुम्हें सल्यूट करने लायक तक नहीं छोड़ा शक्ति, उससे तो बहुत नफरत होगी तुम्हें। अब वो इस शहर का असिस्टेंट कमिश्नर है, उसने अपना एग्जाम गलत तरीके से पास किया है, उसे एसीपी बनाया किसने, हम ही लोगों ने। एक बार देख लो सारे सर्टिफिकेट्स नकली है, तुम्हारे साथ उसने जो भी किया उसका पता लेने का वक्त आ गया है। गोल्डन चांस है, मिस नहीं करना। बुलाओ शक्ति को। नौकरी से नहीं निकाला, मेरा प्रमोशन हो गया है, सीधा एसीपी से डीसीपी, मेरा बेटा बड़ा अफसर बन गया है। मां मेरे से साहब बुरे दिन गए, अब अच्छे दिन आने वाले। शक्ति मैंने आपको घायल किया, चीटिंग करके एग्जाम पास किया, वर्दी की आड़ में गुंडों का साथ दिया और बहुत से गलत काम किए, मुझे अपनी गाली दीजिए, मैं इसी काबिल हूँ सर। शक्ति तुम्हारी काबिलियत मैं जानता हूँ, हमारे डिपार्टमेंट को तुम जैसे ऑफिसर की जरूरत है। भले तुम एग्जाम में फेल हुए पर पुलिस का फर्ज निभाने में पास हो गए। पुलिस किसी की जागीर नहीं है लेकिन ताकतवर जरूर है।
जो काम आज तक कोई न कर पाया वो तुमने कर दिखाया है। मेरी 20 साल की सर्विस में मैंने तुम्हारे जैसा जज्बा किसी ने नहीं देखा। तुम्हें शिवा को लगाम लगा सकते हो। जब मैंने तुम्हारे पिता को छुआ तब तुम्हारे अंदर मैंने एक जुनून देखा जो अब मैं इस ऑफिसर में देखना चाहता हूँ। अब तुम एसीपी नहीं रहे, यू आर प्रमोटेड एसटीसीपी। उन्हें पुलिस की ताकत दिखा दो, उन्हें दिखा दो अभी किसी से काम नहीं। मुझे निराश मत करना। Go ahead. डीसीपी तरक्की। अरे भाई क्यों डर रहे हो, अपना शक्ति भाई तो टीसी बन गया है। अगर वो टीसी बन गया तो सिर्फ टिकट चेक करता, वो जो बना है उसे पता नहीं किस किस का क्या क्या निकलेगा। पहली भी हो गई, आप फिक्र न करें, मैं आपको बिल्कुल निराश नहीं करूं, क्योंकि अब ये डीसीपी बाकी बचे मुजरिमों को पकड़ के अंदर करेगा। उसे देखकर जलन हो रही है। डिप्टी कमिश्नर मिस्टर शक्ति ने शहर से अपराधियों को कम करके एक बड़ा काम किया है। उनके दादा ने भी पुलिस डिपार्टमेंट के लिए शहादत दी थी। मिसेस शक्ति एक बहुत ही बहादुर परिवार से बिलोंग करते हैं। भाई की दादाजी तो बहुत फेमस हो गए, जिनकी वीरता की बात सुन के तुमने खून बहाया। वीरता का इनाम मिला है तुम्हें। हमारा इस साल का द बेस्ट कैटर अवार्ड गोज टू मिस ऐश्वर्या। सर दो शब्द आप भी कहिए ना। मेरी जबान कम और हाथ ज्यादा चलते हैं। बहाना बनाना तो इससे सीखे। एटलीस्ट स्टूडेंट्स को कुछ सेफ्टी टेक्निक सिखा दीजिए। तो एक वॉलंटियर आ गया। वेट वेट वेट, बॉस गो बैक। तुम आ जाओ सर। फर्स्ट करो कि तुम्हारे पास एक बैग है। बैग और बैग ही सच लो। इधर आ। हाँ तू इधर आ। जहाँ लोचा होता तुझे मेरी याद आती। मैं तुम्हें करके दिखाता ना। मेरा हाथ टाइट पकड़ लो। कस के पकड़ा है। देखो मेरा हाथ कैसे पकड़ा है। तुझे ऐसे करना है। राइट हैंड एंड द राइट लेग एट द सेम टाइम। और इस तरह। सर आ जाओ आ जाओ। यस सर। मेरा हाथ पकड़ लो। कस के पकड़ो। हाँ इस तरह। लेकिन तुम्हारी वजह से जरूर होगा। खराब है। ओके सो मुझे तुम पर चाकू से अटैक करता है। मैं करके दिखाता हूँ। तुम मुझ पर अटैक करो जैसे चाकू आता है। दोबारा तुम पे हमला करे उससे पहले फिर से पकड़ा बना दिया। अपने आप को बचाने का एक और आसान तरीका है। मुझे एक लकड़ी चाहिए होगी। हाँ इस तरह की एक लकड़ी सर तुम आओ। ये शेर है तो मैं भी ये पहन के कहाँ जा रहा है? ये सेल्फ डिफेंस के लिए है। आते तो हम बता इधर बना देते। इसको छोड़ के थोड़ी ना जाते यार। तू पीछे से हमला करता था, अब तू आगे से हमला करवा रहा है। अब मैं आप लोगों को एक आखिरी चीज सिखाऊंगा। इसके लिए मुझे ट्रेंड लोगों की मदद चाहिए। इसके लिए मुझे एक मैडम प्लीज यहाँ आइए। पहले बैठो फिर लेट जाओ। भाई का रोमांस करने का नया आसन है। इस पोजीशन में अंदर जाकर क्रॉल करके बाहर निकलना है। इट्स आर्मी ट्रेनिंग। अगर ये रोज किया तो हो जाएगी, आप मर जाएंगे। आपके हाथ और पैर
बहुत मजबूत हो जाएंगे। हाँ तो मैडम अभी करके दिखाने वाली है आपको। तानिया अच्छा था लेकिन जोश थोड़ा कम था, जोश थोड़ा ज्यादा रखना चाहिए। भाई चट्टी हमारे लिए मुसीबत बनने लगा है। हम उसे अपना समझ कर छोड़ते रहे लेकिन भाई वैसी कमजोरी का फायदा उठा रहे। भैया उसने रेत का कारोबार ठप कर दिया। लग की जमीन को सब कर लिया। उसकी वजह से हमें कमीशन मिलना बंद हो गया है। वो दिन ब दिन हमारी मुश्किलें बढ़ाता जा रहा है। और तो हम लड़की करके हमारी फैक्ट्री सील करवाता जा रहा है। भाई हम सिर्फ आपकी वजह से खामोश है। मालिक जैसा हो रहा है होने दीजिए, शादी के बाद देखते हैं। कैसे जाऊंगी? सब ठीक ठाक तो है? सब ठीक ठाक है। आप कहाँ से आए? तुम्हारे ही घर से आ रहा हूँ। बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा हुआ है। तुम लोगों के शान की बात ही कुछ और है। सारा शहर देखता रह जाएगा। तुम्हारी बहन की शादी क्यों है? आज मुझे खाना बनाने वाले महाराज संतोष मिले थे। घर में कोई फंक्शन है ना? गिना गिना है? तुम्हारी बहुत याद आ रही। कुछ तो बोलो माँ। आप चुप हो माँ। कुछ तो बोलो। वो उसकी भी बहन है और उसे अपनी बहन की शादी की खबर बाहर वालों से मिल रही है। उसे कितनी ठेस पहुंची होगी। बेचारा रो रहा था। आप समझे दर्द क्या? मुझे लोगों को जान से मारना आता है और उन्हें तड़पाना भी आता है। अभी भी वक्त है। मैं उसे न्योता दूंगा, शादी में बुलाऊंगा, पर पुलिस के नाते नहीं, अपने बेटे के नाते। उसे सब कुछ छोड़कर पुराना शक्ति बनना होगा। बनेगा? सिर्फ तभी वो आ सकता है। सुनिए दारा, ये शिवा का फैसला है जो कभी नहीं बदलेगा। आज तो शादी है तुम्हारी बहन की, तुम्हें वहाँ होना चाहिए। कैसे जाएगा, इसे वहाँ बुलाया ही नहीं। ऐसे ही होता है, बुलाते भाई भाई जरूर बुलाएगी। गलत फहमी में मत रहे, मुझे नहीं लगता वो तुझे बुला रहा है। तुम्हारे यहाँ कितना चाहता है बेटा, तो एक बार फोन कर लेगी तो भागता हुआ आ जाएगा।
मेरे लिए पापा जरूरी हैं। मेरी बेटी के लिए मैं सबसे ज्यादा जरूरी हूँ, तुम्हारे लिए कौन जरूरी है इसका फैसला तुम करो। आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए।